तो ये जो किताबें है ये किताबें ही आपको करोड़पति बना सकती है। लेकिन गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मिशनरी पराग। तो आज के इस टाइटल को लेकर कुछ मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कि कैसे ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। आज के टाइटल के ऊपर बातचीत करने वाले हैं और इंटरेस्टिंग ये ब्लॉग होने वाला है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, आखिर तक के बने रहेगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सेंटाइज होने के बाद मैं फिर नाना और अभी खाना मेरा कंप्लीट हो चुका है और व्लॉग को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बताने वाले ऐसी कुछ खास बातें जो कि शायद ही आप सभी को किताबों से रिलेटेड पता होगी और ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमको जानना भी जरूरी है और इस बातों को हम लोगों तक के पहुंचाना भी जरूरी है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं क्या क्या होने वाला है। आपको बता दूं कि व्लॉगिंग करना ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें एक आपका एक माइंडसेट लगता है। अगर आपका मूड या आपका माइंडसेट या आपका आसपास का जो परिसर है वो अगर ठीक ना हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो जाती है। और कुछ ऐसी चीज़ें पिछले एक दो दिन में हुई और उसके कारण मैं कंटिन्यू व्लॉग अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन कोई बात नहीं, अपने आप को पॉजिटिव रखना ये तो अभी बना हुआ है क्योंकि महापुरुषों का हमारा जो मोमेंट है ये एक पॉजिटिव मोमेंट है और जहाँ से हमको सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉजिटिविटी मिलती है और जहाँ पर जो नेवर गिव अप वाली जो कंडीशन है वो हमारे महापुरुषों से ही आती है। मेरे इमेजिनेशन के ऊपर था जब मुझे सबसे पहले ये बात पता चली कि बाबा साहब एक ऐसे शख्स हुए जिन्होंने अपने लिए जो खुद की जो लाइब्रेरी बनाई थी जिसका नाम उन्होंने राजग्रह रखा था और इस लाइब्रेरी के अंदर में 50,000 से ज्यादा किताबें थी जो कि उस समय में हमारे बहुजन समाज के जो लोग थे उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि उनको सामाजिक रूप से जिस तरीके से जिंदगी, इंसानों की जो जिंदगी है वैसी जिंदगी जीने का भी अधिकार नहीं था। ऐसे समय के अंदर में बाबा साहब ने अपनी खुद की लाइब्रेरी बनाई थी और ये लाइब्रेरी सिर्फ भारत की नहीं तो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। तो आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब कितने बड़े शख्सियत है और इसी तरह बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। तो कुछ ही दिन पहले हमने वर्ल्ड बुक्स डे मनाया और अगर जब बात किताबों की हो और किताबों की बात होने के साथ साथ बाबा साहब का डिस्कशन या बाबा साहब का जिक्र वहां ना हो तो ये कहने की अधूरी बात है। तो चलिए करते हैं और दिखाता हूँ क्या क्या चीजें अपने पास में है, कौन कौन सी बुक्स है, सभी चीज दिखाता हूँ। चलो चलिए शुरू करते हैं। तो इतनी सारी बुक्स मैंने अभी यहाँ पर जो रखी है ये सभी के सभी जो बुक्स है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जितना भी हमारा जो मिशनरी मोमेंट मैं अपने सारे ब्लॉग्स में जो शेयर करता हूँ, जो कहने की थोड़ा बहुत भी नॉलेज मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप सभी से जो शेयर करता हूँ ये वो इन्हीं सारे बुक से आया हुआ नॉलेज है। और ये जो नॉलेज है ये नॉलेज देने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारे फुलेश्वर बाबा साहब है जिनकी ये मूवमेंट है 108 महापुरुषों की हमारी जो मूवमेंट है उस मूवमेंट को किस तरीके से इन सारी बुक्स के अंदर में पिरोया गया है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। तो बुक्स की सबसे अगर इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास में हीरे जवाहरात है, पैसा है, काफी सारी अगर चीजें है, धन दौलत है और वो धन दौलत आपसे कोई चुरा सकता है, खरीद सकता है या चोरी कर सकता है, आपके पास में नॉलेज है, आपके पास बुक्स है तो उस बुक्स का जो नॉलेज है वो आपसे कोई कभी चोरी नहीं कर सकता। और यही बात बाबा साहब कहते हैं कि आप जो बुक्स है इसको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दो, मुझे किसी व्यक्ति का जो सहवास है उससे ज्यादा मुझे किताबों के साथ जो रहना है या किताबों का जो सहवास है ये बाबा, यही जो किताब है यही आपको करोड़पति बना सकती है। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये इसी तरीके से पॉसिबल है कि इसके अंदर में जो नॉलेज है ये आपको करोड़पति बनाने से ज्यादा, तो उसको करोड़पति बनाने का जो प्रोसेस है वो सारी चीजें इन सारी बुक्स में दिया रहता है। किताबें के अंदर में जो नॉलेज रहता है वो नॉलेज आपको कहने के पैसा क्रिएट कैसे किया जाए ये आपको बताता है। राहुल मोहित क्या कर रहे हो? अच्छा, क्या कर रहा है हीरो? ड्राइंग बना रहा है। अच्छा, अब ये ड्राइंग बना रहा है और इसके पहले हमने आप सभी को ये वाला चार्ट दिखाया था जिसमें टेबल्स लिखे हुए थे, लेकिन अभी और एक नया चार्ट दिख रहा है।
ठीक है, तो ये किस चीज का भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है, क्योंकि इसके पहले ये वाला एक्सप्लेन किए थे, ठीक है, अभी हम ये वाला एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या क्या लिखा हुआ बताओ? ये नेम से सर्कल की और ये सर्कल का फिगर है। अच्छा, और ये प्राइम मिनिस्टर इन यूनिसलैंड, ये यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम है। अच्छा, वन आवर में कितने मिनट सेकंड्स होते हैं। इधर वाला ये नेम ऑफ द सॉलिड राइट, ठीक है, पिरामिड, पिरामिड दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे चीज से मतलब ऐसा, ये चार्ट लगाने से क्या होगा, ये चार्ट लगाने से क्या होगा बता, ये लर्न होगा, है ना, जल्दी हम रिकवर, जितना भी अभी लॉकडाउन में जो भूल रहे हैं, ये चार्ट से अगर जितना भी लिखा हुआ बार 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 अगर देखेंगे तो हमको लर्न हो जाएगा, सही है ना, ठीक। तो जब भी मैं ब्लॉग शूट करना शुरू करता हूँ तो राहुल मोहित ये मोस्टली मेरे पास में आते हैं और हमको भी ब्लॉग में आना है ये वो बात कहते हैं। और ये कहने की मुझे अच्छा भी लगता है क्योंकि जब शुरुआत में जब मैंने ब्लॉग कर रहा था और जब मैंने इनको इन्वॉल्व किया ब्लॉग में अपने, तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा कैमरे से डर रहे थे, लेकिन अब इनका कैमरा फियर बिल्कुल भी खत्म हो चुका है। जैसे ये एक्साइटेड हो जाते हैं कि जब भी मैं ब्लॉग करता हूँ कि हमको भी ब्लॉग में आना है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि हमारा जो आने वाला जनरेशन है वो कैमरा फियर जो है, जो कॉन्फिडेंस है, उसका दिन दिन बढ़ते जा रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है हम सभी के लिए। थैंक यू। तो पिछले वाले ब्लॉग में मैंने कहा था कि हमारा जो बाइक है एवेंजर 150, इसका नामकरण हमको करना है। तो मेरे छत्तीसगढ़ के हमारा जो भाई है जिन्होंने, अंकेश, जिन्होंने कमेंट भी किया है, तो वो कमेंट मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर। तो इस तरीके से अभी तो मैंने नाम डिसाइड में नहीं कर पाया, लेकिन जब भी नाम डिसाइड में कर दूंगा आपको बता दूंगा और फिर उसी नाम से हम अपनी बाइक को बुलाएंगे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर कोई भी चीज पसंद आई है लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। पहली बार अगर मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरा ब्लॉग का नोटिफिकेशन सबसे पहले अभी तक के पहुंचे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।